सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममदरियाज व्लॉग्स। तो कैसी अपनी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी बहन भाई चैनल पे न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। सो गाइस, तो अभी टाइम 1 बजे का आप लोग देख सकते हो एंड अभी मैं व्लॉग स्टार्टअप कर रहा हूँ। सो गाइस, तो सुबह में गया हुआ था बैंक में, वहाँ पे न्यू अकाउंट खुलवाना था जेके बैंक में। वहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट खुला हुआ था, अभी मेरे को जॉइंट अकाउंट खुलवाना था जिसकी वजह से मेरा वहाँ पे अकाउंट नहीं खुला। फिर मैं वापस चला आया, फिर मेरे को मौलवी इमरान भट्टी ने कॉल की, तो इन्होंने बोला रियाज भाई आपके साथ कुछ काम है। तो फिर मैं यहाँ पे चला आया इनके घर एंड ये रहे मोहम्मद इमरान भट्टी जो के ब्रूटा मल्ला के रहने वाले। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। सलाम भाई, क्या हाल है? बस भाई ठीक हूँ, आप ठीक हो? से ठीक है, यहाँ पे आ चुका है इनका घर, तो मैं अभी इनके घर में आया हुआ था। तो चलो यहीं से एक छोटा सा व्लॉग स्टार्टअप करते हैं एंड अपनी प्यार सी यूट्यूब फैमिली को श्योर करते हैं। तो ये रहे मोहम्मद इमरान भट्टी, इमरान भट्टी ने हम दोनों ने इकट्ठे स्टडी की हुई है एक ही साथ। तो अभी ये यूनिवर्सिटी गए हुए थे, तो कब आए यूनिवर्सिटी से वापस? मुझे अभी कोई आधा घंटा हो गया, अभी मैंने इनको कॉल की थी, ये आए हैं तो मैं भी आधा घंटा हो गया घर पहुंचे। तो इन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज किया हुआ है, तो आपने कुरान पाक कब हिफ्ज किया था आप बताएंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को? जो मुकम्मल हुआ था वो 2017 में हुआ था, 3-3.5 साल में मेरा कुरान पाक कंप्लीट हुआ है। तो 2017 में मेरा जो कुरान पाक था वो कंप्लीट हो गया था, हिफ्ज जो था मुकम्मल हो गया था। और दस्तारबंदी भी मेरी 2017 में हुई थी, उस वक्त मैं 10th पढ़ता था, हम दोनों इकट्ठे थे, हमने इकट्ठे स्टडी की हुई है। अभी आप लोगों को मौलवी इमरान भट्टी साहब ने सब कुछ बता ही दिया। पास में ही मस्जिद है, देख सकते हो ये इनके घर के पास में सामने आ चुकी है मस्जिद, ये जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि यहाँ पर अजान कौन देता है एंड जमात के साथ नमाज कौन पढ़ाता है, सब कुछ बताएंगे आपको। जनाब मैं ये बताना चाहूँगा, ये हाजरे करार जामा मस्जिद साज, इसमें पहले से ही मतलब नमाज पढ़ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर 1.5 साल हो गया इमामत करवाते हुए, और इसी के साथ एक मदरसा है जहाँ पर मैं 1.5-2 साल से मैं यहाँ पर दर्स दे रहा हूँ बच्चों को, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहिए कुरान। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए, दुनियावी सबक के साथ साथ दीनी सबक भी ज़रूरी है। अब सबको चाहिए कि दुनियावी के साथ साथ दीनी इलम भी सीखें। ये जामा मस्जिद जो है इसमें मैं ही इमामत करवाता हूँ, और हम सबको चाहिए नमाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और नमाज जो है तमाम इन्नस्सलातनहानिलफ़क्शाईवलमुनकर, नमाज तमाम बुराइयों और बेखयाइयों से मना करती है, हमें चाहिए हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो गाइस, तो अभी हम चलते हैं अंदर, फिर अंदर से आप लोगों को बताते हैं मौलवी साहब का घर जो कि रोड के करीब है, पास में मस्जिद और यहाँ से पौड़ियाँ, सामने शॉप है इनके घर के पास एंड उस साइड में मस्जिद। पहुँच चुके हैं अंदर, यहाँ पे आ चुका है इनका घर एंड देख सकते हो। और बाकी बंदे किधर गए हुए हैं? आज ये इधर पास में ही मोहल्ले में एक डेथ हुई थी, उधर गए हुए हैं सारे। इमरान भट्टी साहब ने बताई दिया कि घर के पास में एक डेथ हुई थी, तो सभी बंदे उधर गए हुए हैं एंड यहाँ इनके घर में कोई भी नहीं है। सो इनको भी जाना अभी डेथ में, तो उधर नमाज जनाजा आना, तो पता नहीं कौन पढ़ाएगा। सो मैं तो सोच रहा हूँ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलूंगा कि जो भी अच्छी अच्छी वीडियो हो उसको शेयर करें, और आप मोहम्मद रियाज जो इनका चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। सो मोहम्मद इमरान भट्टी साहब ने मेरे को एक नात भी सुनाई थी, तो वो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को नहीं शेयर करूंगा क्योंकि गाइस आज का व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा, आई होप कि आपको अच्छी भी लगेगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।